अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थर्सडे व्लॉग की शुरुआत आज हम शिफास किचन में चिया सीड से करेंगे। तो वार्म वाटर के साथ, वार्म या थोड़ा सा वार्म से ऊपर, मतलब थोड़ा गर्म पानी चिया सीड्स के साथ ले सकते हैं आप लोग। खाली पेट बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है इसका, वेट भी आसानी से कम हो जाता है, अदरवाइज़ डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो बेस्ट रहता है ये हेल्थ के लिए। उसके बाद क्या था, मुझे ब्रेड टोस्ट करने थे सभी को। आज टी के साथ ब्रेड लेने हैं तो मैं जल्दी से टोस्ट कर लेती हूँ। आज मैं बैटी का वीडियो शूट कर पाई थी, ब्रेकफास्ट का नहीं कर पाई, थोड़ा जल्दी हो रही थी मुझे, इसलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा सफाई भी की थी घर की। क्लीनिंग टाइम था आज, बच्चों का हॉलीडे था तो मैंने सोचा कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया शूट करने का। उसके बाद मुझे क्या था, लंच बनाना था, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट बनाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद मैंने चपाती बनाई क्योंकि फूफा उप्पो को राइस नहीं खाने होते हैं तो उनके लिए चपाती बनाती हूँ, बाकी हम सब लोग राइस खा लेते हैं। तो मैंने दाल राइस बनाए, तड़का लगाया बहुत ज़बरदस्त था, इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि जल्दी से मैंने अपनी प्लेट जो है वो रेडी कर ली थी। मैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर एक सब्ज़ी घर पे है, सैलड, अचार, लेमन, मुझे सभी चीज़ मिक्स करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद क्या था, मैंने गरम गरम सभी को सर्व किए दाल राइस चपाती, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं दाल राइस, मज़ा आ गया। आप लोगों को इस तरह के दाल राइस कैसे लगते हैं, देखिए मैंने कर्ड, मैं छोटी सी हांडी लेकर आई थी मार्केट से, इतनी अच्छी उसमें मदर डेरी की भी नहीं होती है इस तरह की, जो ज़बरदस्त ये मैंने इसको जमा दी। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा इसमें आप छाछ डाल दीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हो जाएगी। आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा अच्छी जमी है, दिल कर रहा होगा ना खाने का, मैंने तो बहुत मज़े से खाई। देखिए मेरी वीडियोस में ऐसे ही इंजॉय करते रहिएगा, बहुत मज़े करने वाले हैं आगे भी आप, क्योंकि फैमिली फंक्शंस हैं तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, पूरे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। अभी तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, सब चीज़ें दिखाऊँगे। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मेरी शॉपिंग के लिए, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ। देखिए फिर मैंने रेस्ट किया लंच के बाद, उसके बाद मैंने टी बनाई, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास। उसके बाद मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी की, तो झटपट से मैंने एग बॉईल करने के बाद फ्राई कर लिए और ज़ीरा डालकर उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला उसका रेडी किया मैंने। नमक, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ना के बराबर, बिल्कुल इतना नहीं, बहुत ज़्यादा येलो येलो नहीं होना चाहिए मसाला, बिल्कुल रेड उस पर होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त था ये, भून के रेडी हो गया। उसके बाद मैंने आलू कट कर लिए उसमें डाल के, और उसमें दो सीटी लगानी थी हमें, वो मैंने लगा दी, ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी इसमें। देखिए इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो गया इसका, एग शोरबे वाले बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना होता है, बहुत थोड़ा सा खुशबू के लिए। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरे यहाँ पर ना सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ती हैं सब चीज़ें, तो हेल्थ को लेकर मुझे खाना बनाना पड़ता है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे साथ मेरे सासू सर भी हैं तो सभी रहते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे चीज़ों को करना पड़ता है, तो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है मुझे। बहुत अच्छा करने की कोशिश में लगी रहती हूँ सभी लोगों के लिए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ आप तक मैं अपनी वीडियो शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ। इसलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।